गुजरात में हिमंत बिस्वा शर्मा का चुनावी शंखनाद। हिंदुओं की शादी पर क्या बोले असम सीएम? क्यों छेड़ा समान नागरिक संहिता का मुद्दा? गुजरात चुनाव आने में अब कुछ ही वक्त बचा है। 1 दिसंबर को पहले चरण के चुनाव होंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल गुजरात की सत्ता पर अपनी पकड़ जमाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटे हैं। इसी बीच गुजरात में अपनी सत्ता आगे भी कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी स्टार प्रचारकों की एक फौज उतार दी गई है। इसी कड़ी में गुजरात में वोट बैंक साधने के लिए जुटे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। देश में समान नागरिक संहिता कानून बनना चाहिए। अभी आप देखिए, एक व्यक्ति है कोई बात नहीं, दो दो तीन तीन साढ़े चार शादियों कर लेता है। पर क्यों आप शादी करेगा तीन तीन, आप क्यों शादी करेगा चार चार? देश में अगर हिंदू एक शादी करता है तो बाकी धर्म का लोग भी एक ही शादी करना पड़ेगा। अब कैसा दो दो तीन तीन शादी करेगा? इसीलिए आज हमें ये बोल रहा हूं कि देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, बेटा का भी जो अधिकार है बेटी को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अगर एक पुरुष है एक महिला को आप शादी कीजिए, दो दो तीन महिलाओं को आप शादी मत कीजिए। आज हमें देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। वो भी कौन ला सकेगा? खाली बीजेपी ही ला सकेगा, कांग्रेस वाला लोग कभी ये नहीं लाएगा। इसलिए अभी कांग्रेस कभी नारियों का सम्मान नहीं किया था और आगे भी जाके सम्मान नहीं करेगा। गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने देश में समान नागरिकता कानून बनाए जाने की जरूरत होने की बात कही। आपको बता दें, बीजेपी ने उत्तराखंड की तरह हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों ही जगह पर अपने घोषणा पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है। उत्तराखंड चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे और उन वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पैंकर न्यूज।